बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज हम आए जा रहे हैं लबे शीरी। वीडियो अच्छी लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए। सबसे पहले हम 1 कप मिल्क में जो हमने नॉर्मल टेम्परेचर पे लिया है उसमें हम कस्टर्ड ऐड करेंगे, जो हमने लिया है तकरीबन 4 टेबल स्पून। 4 टेबल स्पून कस्टर्ड ऐड किया है हमने। नॉर्मल टेम्परेचर पे दूध लिया था, ना बहुत ठंडा है ना गर्म है, इसे मिक्स कर लिया। दूसरी तरफ हमने 2 किलो दूध लिया है जो बॉइल हो गया है, और उसके अंदर हम शुगर ऐड कर रहे हैं तकरीबन 2 कप। ये देखिए 2 कप शुगर ऐड कर देंगे। शुगर ऐड करने के बाद इसको हल्का सा चलाएंगे और इसके अंदर कस्टर्ड ऐड करेंगे जो हमने घोल के रखा है पहले से। थोड़ा थोड़ा कस्टर्ड डालते जाएंगे और चमचा हिलाते जाएंगे। दूध हमने बहुत ज़्यादा थिक नहीं करना है क्योंकि लबे शीरी वैसे ही बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं होता। ये देखें, ये हमारा हो गया है तैयार। ये देखें, अब हम फ्लेम ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। इसमें ऐड करने के लिए जो चीज़ें चाहिए हम उसमें हम लेंगे, हमने कॉकटेल फ्रूट लिए हैं, हमने रंगीन सेवैयाँ बॉईल करके रख ली हैं, जेली ली है हमने ग्रीन और रेड, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, 2 पैकेट क्रीम और कोको चॉकलेट। हमारा ठंडा हो गया है कस्टर्ड, देखें बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं है। इसमें हम सबसे पहले क्रीम ऐड कर रहे हैं जो हमने ली है 2 पैकेट। ये देखें क्रीम फेट ली थी हमने ना, उसके बाद ऐड की है। देखें 2 पैकेट क्रीम ऐड कर रहे हैं। ऐसे ही क्रीम डाल देंगे तो वो ऐसा लगे कोई चीज़ फट गई है उसके अंदर, इसलिए इसको सबसे पहले फेंट लीजिए, उसके बाद इसके अंदर ऐड कीजिए। क्रीम ऐड कर दी है, क्रीम अच्छी तरह मिक्स कर लें आप, उसके बाद इसके अंदर हम ऐड करेंगे रंगीन सेवैयाँ जो बॉईल करके रख ली थी और पानी इसका ड्राई कर दिया है, फेंक दिया है। ये देखिए रंगीन सेवैयाँ हमने 1 पैकेट ली हैं। रंगीन सेवैयाँ ऐड करने के बाद हम इसके अंदर ऐड करेंगे कॉकटेल फ्रूट, एक बड़ा वाला कॉकटेल टिन ले लिया था हमने, जो नॉर्मल साइज का होता है उसका जूस हमने अलग रख दिया, और कॉकटेल फ्रूट हम इसमें ऐड कर रहे हैं। कॉकटेल फ्रूट ऐड करने के बाद हम इसके अंदर जेली डालेंगे, आप कोई भी कलर ले सकते हैं, मैंने रेड और ग्रीन कलर लिया है। ये देखिए इसमें जेली ऐड कर देंगे। जेली ऐड करने के बाद हम इसके अंदर कोको चॉकलेट ऐड करेंगे। मेरी तरफ फ्रीज हो गई थी इसलिए वो इस शेप में आ गई, वरना जैसी है वैसे ही डलेगी। चॉकलेट ऐड हो गई है, ये बिल्कुल रेडी हो चुका है। आखिर में हम इसके अंदर जो छोटी वाली गुलाब जामुन होती हैं वो ऐड करेंगे। ये देखिए हमारी लबे शीरी बिल्कुल सेट है, ना बहुत ज़्यादा गाढ़ा है ना बहुत ज़्यादा पतला है, बिल्कुल रेडी हो चुका है। इसको हम डिश आउट करेंगे, इसके अंदर हम छोटी वाली गुलाब जामुन और चमचम डाल देंगे जो छोटे साइज की होती हैं। रेसिपी अच्छी लगी तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और आप हमारी रेसिपी ज़रूर ट्राई करेगा, आपको बहुत पसंद आएगी। अब हमें किचन विद करीना के नाम से फेसबुक और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, और बेल आइकन का बटन प्रेस कर दीजिए ताकि नए आने वाले वीडियोस आपको का नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम दोबारा हाजिर होंगे एक नई वीडियो के साथ। अपनी बहुत सारी दुआओं में हमें याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।